नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW24। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। बिहार की राजनीति में पोस्टर अब अहम हिस्सा बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से साल के पहले दिन से ही पोस्टर वॉर शुरू हुआ था और अब तक जो पोस्टर वॉर है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक जारी है। इसी कड़ी में हमने आज एक पोस्टर जारी किया है और नेता प्रतिपक्ष को घेरते हुए पोस्टर जारी किया। पोस्टर में साफ तौर पर लिखा हुआ है, मैट्रिक फेल जंगल राज के युवराज को कोई समझा दे कि नीचे क्या लिखा है। और नीचे में लिखा है, सरकारी नौकरी है दलितों का अधिकार, मत विरोध करो जंगल राज के युवराज। यानी कि नेता प्रतिपक्ष को जंगल राज का युवराज कहा जा रहा है। 1990 से लेकर 2005 तक राजद की सरकार थी बिहार में और जंगल राज का नाम दिया गया था उसे, और जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव को कहा जा रहा है। और नीचे एक चिट्ठी है जो सरकारी चिट्ठी है, उस सरकारी चिट्ठी को भी दर्शाया है और कहा गया है कि इसे कोई समझा दे नेता प्रतिपक्ष को। यह पोस्टर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से जारी किया गया पैच यह पोस्टर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से जारी किया गया है। इसी को लेकर जब हमने बातचीत की हम के प्रवक्ता विजय यादव, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पोस्टर को लेके और किस तरीके से घेरा है नेता प्रतिपक्ष को, जानने के लिए देखिए आए हमारे इस वीडियो को। देखिए, मैं कहता हूँ कि 143 नहीं 243 सीट पर वो लड़े, उनका औकात नहीं कि 143 पर लड़ेंगे या 243 पर लड़ेंगे। देखिए, वो बंदर भूमकी दे रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रमुख ने स्पष्ट कहा है कि आप मेरा गठबंधन नीतीश कुमार से JDU से है, आप नीतीश कुमार पर उंगली उठाने का काम करेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं आपका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करूंगा। तेजस्वी यादव जी, आप चुप रहें, जो सही को सही कहने का काम करें। यदि आपको अलग लड़ना है तो आप अलग लड़ें। और ये भी मैं कह देता हूँ, यदि जिस प्रकार चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ JDU का उम्मीदवार होगा वहाँ वहाँ मैं लड़ूंगा, तो मैं भी कहता हूँ कि जहाँ जहाँ लोजपा का उम्मीदवार होगा हम पार्टी वहाँ खड़ा रहेगा उनका विरोध करने के लिए, लड़ने के लिए। वहाँ पे आप भी प्रत्याशी उतारने एकदम बिल्कुल ईंट के जवाब पत्थर से देंगे यदि नीतीश कुमार पर उंगली उठाए तब। सत्ता में थे तो आपने एक कानून लागू नहीं होने दिया, एक कानून 1995 में बना था लेकिन लालू यादव ने इसको लागू नहीं होने दिए, रामविलास पासवान ने इसे लागू नहीं दिए कि दलित लोग आगे बढ़ जाएगा। देखिए, आज़ादी के 74 साल होने जा रहे हैं, आज भी दलित की स्थिति वही है। ये जब सरकारी नौकरी लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा तो कम से कम जो हत्याएं हो रही है वो दलितों पर कम होगी, बलात्कार की घटना कम होगी। एक हमारे जितना मांझी कहते हैं कि इस मुद्दा से, इस पॉइंट से दलित को एक सूत्र में बांधा जाएगा, और दलित का बड़ा चेहरा होने के नाते मांझी जी ने कहा कि बिहार में नहीं पूरे देश में इसको लागू होना चाहिए, मैं पूरे देश में इसको दलितों को जो हो रहा अत्याचार ये कानून बना है इसको लागू करवा के हम दम लेंगे जैसे नीतीश कुमार लागू किए हैं। विरोध तो लोजपा ने भी किया, चिराग पासवान ने भी किया, उनका कहना ये चुनावी स्टंट। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बतला दूं कि लोजपा NDA गठबंधन में है ही नहीं, वो उनका समझौता भाजपा से है। आज आपका JDU का KC त्यागी भी स्पष्ट रूप में कहा है कि लोजपा का गठबंधन जो भी है, लेन देन जो भी है, वो भाजपा से है, JDU से नहीं है। इसलिए हम लोग उनको कभी मानते ही नहीं है कि लोजपा में क्या है। वो लोजपा के नाते होने के नाते भी, दलित होने के भी नाते, आज तक रामविलास पासवान और चिराग पासवान हमेशा दलितों का विरोध करते आए हैं, आपको मालूम होना। तो क्या माना जाए कि NDA में JDU वर्सेस जो भाजपा हो गई है, क्योंकि आप JDU को सपोर्ट करते हैं तो वहीं लोजपा भाजपा को सपोर्ट करते हैं, दो गुटों में बट गई है? दो गुटों, देखिए कोई गुट में नहीं बटा है। ए तेजस्वी, ए चिराग पासवान जी अलग बट गए। देखिए, ये स्वार्थ पे पड़े हुए हैं, इनको किसी से कंपटीशन इस बिहार के धरती पर है तो तेजस्वी यादव से है। तेजस्वी यादव जिस प्रकार मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बिहार में बने हुए हैं तो चिराग पासवान को भी लग रहा कि मैं भी मंत्री का उम्मीदवार बनूं, लेकिन ये उनका मनसा पूरा नहीं होगा, बिहार में उनका कहीं कोई धरती नहीं। ये नीतीश कुमार जी का ही देन है कि कम से कम ये 5-6 इनके MP भी चुनाव जीत गए हैं, आज एयरपोर्ट से उतरते हैं अपने क्षेत्र में चले जाए, नीतीश कुमार जी का देन है। देखिए, आज न कल चिराग पासवान को माननीय नीतीश कुमार जी से झुककर माफ़ी मांगना ही पड़ेगा, जितने वो उंगली उठा रहे हैं उनके लिए अहितकर बात है और दलितों के लिए भी अहितकर बात
दलितों के भी मुद्दे पर जो बोल रहे हैं वो बहुत अहितकर बात है, इसलिए दलित से भी माफी मांगनी होगी, नीतीश कुमार से भी उनको माफी मांगनी होगी। आपसे आखिरी सवाल ये है, कल संसदीय बोर्ड की बैठक थी दिल्ली में लोजपा की, इसमें कहा गया 143 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो एनडीए के पार्टुओं भी है, 143 पे अगर लोजपा ही लड़ेगी तो बाकी सीट पे आप लोग कितना सीट बांटेंगे? देखिए मैं कहता हूँ कि 143 नहीं 243 सीट पर वो लड़े, उनका औकात नहीं कि 143 पर लड़ेंगे या 243 पर लड़ेंगे। देखिए वो बंदर भूमिकी दे रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रमुख ने स्पष्ट कहा है कि आप मेरा गठबंधन नीतीश कुमार से जेडीयू से है, आप नीतीश कुमार पर उंगली उठाने का काम करेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं आपका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करूंगा। तेजस्वी यादव जी आप चुप रहें, जो सही को सही कहने का काम करे, यदि आपको अलग लड़ना है तो आप अलग लड़े। और ये भी मैं कह देता हूँ कि जिस प्रकार चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ जेडीयू का उम्मीदवार होगा वहाँ वहाँ मैं लड़ूंगा, तो मैं भी कहता हूँ कि जहाँ जहाँ लोजपा का उम्मीदवार होगा हम पार्टी वहाँ खड़ा रहेगा उनका विरोध करने के लिए, लड़ने के लिए। वहाँ पे आप भी प्रत्याशी उतारने? एकदम बिल्कुल, ईंट के जवाब पत्थर से देंगे यदि नीतीश कुमार पर उंगली उठाए तब। तो आपने एक कानून लागू नहीं होने दिया, एक कानून 1995 में बना था लेकिन लालू यादव ने इसको लागू नहीं होने दिए, रामविलास पासवान ने इसे लागू नहीं दिए कि दलित लोग आगे बढ़ जाएगा। देखिए आज़ादी के 74 साल होने जा रहे हैं, आज भी दलित की स्थिति वही है। ये जब सरकारी नौकरी लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा तो कम से कम जो हत्याएं हो रही है वो दलितों पर कम होगी, बलात्कार की घटना कम होगी। एक हमारे जितना मांझी कहते हैं कि इस मुद्दा से इस पॉइंट से दलित को एक सूत्र में बांधा जाएगा, और दलित का बड़ा चेहरा होने के नाते मांझी जी ने कहा कि बिहार में नहीं पूरे देश में इसको लागू होना चाहिए, मैं पूरे देश में इसको दलितों को जो हो रहा अत्याचार ये कानून बना है इसको लागू करवा के हम दम लेंगे जैसे नीतीश कुमार लागू किए हैं। विरोध तो लोजपा ने भी किया, चिराग पासवान ने भी किया, उनका कहना ये चुनावी स्टंट। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बतला दूं कि लोजपा एनडीए गठबंधन में है ही नहीं, वो उनका समझौता भाजपा से है। आज आपका जेडीयू का केसी त्यागी भी स्पष्ट रूप में कहा है कि लोजपा का गठबंधन जो भी है, लेन देन जो भी है वो भाजपा से है, जेडीयू से नहीं है। इसलिए हम लोग उनको कभी मानते ही नहीं है कि लोजपा में क्या है, वो लोजपा के नाते होने के नाते भी दलित होने के भी नाते आज तक रामविलास पासवान और चिराग पासवान हमेशा दलितों का विरोध करते आए हैं। आपको मालूम होना देखिए ना, हमारे कार्यकर्ता लोगों ने, रंजीत चंद्रवंशी जी ने एक पोस्टर लगाया है और उसमें स्पष्ट कहा है, और हमारे राष्ट्रीय प्रमुख भी स्पष्ट कहा करते हैं कि SC ST के मुद्दे पर जो माननीय नीतीश कुमार जी ने दलितों के हित में हत्या होने पर एक परिवार का सरकारी नौकरी देने की बात कही है उसी पर लोग विरोध कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ महागठबंधन के तमाम लीडरों से कि आप कम पढ़े लिखे 7वां 8वां पास हैं, कम से कम कानून के